क्लास है, यूनिवर्सिटी के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग शुरू से चैप्टर वन चैप्टर टू खत्म कर चुके हैं, इधर बीच से भी लाइव चैप्टर खत्म कर चुके हैं पीछे से हम लोग। अब हम लोग का चैप्टर थ्री स्टार्ट होता है। चैप्टर थ्री का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यानी संश्लिष्ट रेशे और प्लास्टिक, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, प्लास्टिक क्या चीज होता है, बैड इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। इस सब चीजों को, ये सब मुख्य बिंदु हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दीज आर मेन पॉइंट्स। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट्स। वी गो अहेड द चैप्टर। द चैप्टर स्टार्ट्स विथ वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस एंड वी यूज देम। हम लोग के आसपास बहुत सारी चीजें दिखती हैं, हम लोग उनका उपयोग भी करते हैं। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। वे कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ सच एज शर्ट पैंट सॉक्स शूज एटसेट्रा। हम लोग विभिन्न तरह के वस्त्र भी पहनते हैं, जैसे कि शर्ट हो गया, पैंट हो गया, सॉक्स हो गए, मतलब कि मोजे हो गए, सूट्स हो गए, ठीक है। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। वे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रेशों और संश्लिष्ट रेशों से बने होते हैं। अब यहाँ दो चीज आया है, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, फाइबर द वर्ड फाइबर, द टर्म फाइबर दो भागों में क्लासिफाइड हो जाता है। सिंथेटिक फाइबर फर्स्ट, नेचुरल फाइबर देखते हैं, नेचुरल फाइबर फर्स्ट में आता है, नेचुरल फाइबर सेकेंड में, सिंथेटिक फाइबर। हियर वी सी द फोर टाइप्स ऑफ फाइबर्स वन बाय वन। व्हाट इज नेचुरल फाइबर? ए नेचुरल फाइबर इज ए टाइप ऑफ फाइबर विच इज गेन्ड, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, जो कि प्राकृतिक साधनों से प्राप्त किया जाता है, उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे कि सच एज कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन, सिल्क वर्म, सिल्क वर्म से जो सिल्क प्राप्त किया जाता है, तो कॉटन, सिल्क, जूट, दीज आर नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। कॉटन, जूट, सिल्क आर नेचुरल फाइबर एंड द अदर इज सिंथेटिक फाइबर। ए सिंथेटिक फाइबर, वी सी सिंथेटिक फाइबर। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? ए सिंथेटिक फाइबर इज ए टाइप ऑफ फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड आइदर वी से विच इज प्रिपेयर विद द यूज ऑफ केमिकल, विच इज प्रिपेयर विद द यूज ऑफ केमिकल विद द यूज ऑफ नेचुरल फाइबर एंड केमिकल विद द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल फाइबर एंड केमिकल। यानी कि जो केमिकल के प्रयोग से तैयार होता है या जो प्राकृतिक रेशों में केमिकल यूज करके उसे कुछ दूसरे टाइप का बनाया जाता है, उसे थोड़ा जैसे प्राकृतिक रेशे जल्दी टूट जाते हैं, उनको नहीं टूटने लायक उसमें कुछ केमिकल करके मिला के बनाया जाता है, उसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, संश्लिष्ट रेशे कहते हैं। और इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। इनका एग्जाम्पल हो जाएंगे, बैटिंग हो जाएगा कॉटन, जूट, ठीक है, सिल्क। इसमें हो जाएगा आपको रेयान, नाइलॉन, रेयान, ठीक है, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, एक्सेट्रा। नेचुरल फाइबर का हो जाएगा ए टाइप ऑफ फाइबर, फाइबर ए टाइप ऑफ फाइबर विच इज
obtained by natural sources that is plants or animals. Natural sources such as plants or animals, इसका एग्जाम्पल हम लोग हो जाएगा कॉटन, जूट एंड क्या होता है सिल्क एक्सेट्रा हो जाएंगे. इससे सिंथेटिक फाइबर is a type of fiber which is prepared by the use of chemical substance. तो ये हम लोग का हो गया दैट इसका एग्जाम्पल हो गया आप लोगों को दैट इज नायलॉन रेयॉन. ठीक है नायलॉन रेयॉन एक्रिलिक पॉलिएस्टर एक्सेट्रा. Now we are in proceed in the chapter. Now we will learn about synthetic fiber in detail. What is synthetic fiber? We will learn it in detail. We start this chapter. A synthetic fiber is a chain of small units joined together. A synthetic fiber होता है कि ये एक तरह का चेन का निर्माण करता है. ठीक है जो भी इसमें केमिकल जो भी पदार्थ होते हैं एक तरह का चेन बनाता है चेन टाइप का बनाता है ऐसे करके. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर. ठीक है इसे बहुलक कहते हैं. ये बहुलक चेन तरह का बनाता है इसे बहुलक कहते हैं. The word polymer comes from two Greek words. Poly means many and per means and mer means part. यानी poly means बहुत और mer means part. यानी कि जिस इसमें जो भी single single part एक अलग अलग तरह का एक single single part एक बहुलक कहलाता है. यानी कि polymer से बनता है many substances. ठीक है एक ही तरह के बहुत सारे एक ही तरह के एक श्रृंखला बनती चेन बनता है. दस पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि एक ही कड़ी बार बार दोहराती है तो एक चेन बन जाता है श्रृंखला बन जाती है. एक ही तरह का जो है सब्सटेंस बार बार इसको दोहराता है. पॉलीमर अगर इन नेचर ऑल्सो कारक के बहुलक जो होते हैं उसमें जो होते हमारे प्रकृति में भी मौजूद होते हैं. कॉटन इज ऑल्सो ए पॉलीमर. हमारा कॉटन भी है ये भी दिस इज अ टाइप ऑफ ऑल्सो पॉलीमर. ये भी पॉलीमर है. सेलुलोज इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. कारक सेलुलोज जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स के ग्लूकोज इकाइयों के लार्ज यूनिट से बना होता है. लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है बहुत सारी इकाइयों से बना होता है. ये तो ये हम लोग देखते हैं हम लोग. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. हमारे
मार्केट में हमारे उपयोग में आने वाले बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया रेयॉन। एज वी नो दैट रेयॉन, नायलॉन, पॉलीमर एक्रिलिक, हम लोग रेयॉन के बारे में देखते हैं, हम लोग रेयॉन के बारे में समझते हैं। ये जो है रेयॉन, इसके बारे में हम देखते हैं। एज वी नो दैट नेचुरल सिल्क इज वेरी कॉस्टली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक रेशम जो है बहुत ही महंगा होता है। सो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, इसलिए वैज्ञानिकों ने ये एक बहुलक का यानी कि एक रेशा का वो आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने, एक रेशा का जो कि आपको सिल्क से मिलता जुलता जिसका प्रॉपर्टी हो, यानी कि सिल्क जैसा साइनिंग हो उसमें, सिल्क जैसा किसी ने पर जल्द न टूटे, क्या रेशम जल्द, रेशम के सूत्र जो होते हैं जल्द नहीं टूटते हैं, ठीक है, कॉटन टूट जाएगा बहुत जल्द लेकिन रेशम जल्द नहीं टूट पाएगा, तो उससे मिलते जुलते प्रॉपर्टी के एक मतलब फाइबर का एक रेशा का खोज किए वैज्ञानिक, आविष्कार किए। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, कहने का मतलब कि इस प्रकार का जो फाइबर है ये वुड पल्प यानी कि काष्ठीय जो पल्प होता है, काष्ठीय द्रव पदार्थ होता है, उनके केमिकल ट्रीटमेंट, उनके रासायनिक उपचार के द्वारा तैयार होता है, ठीक है, यानी उनको जो काष्ठीय पल्प होता है पेड़ पौधों का, जो आपको पेड़ पौधों से जो द्रव जैसा पदार्थ निकलता है उसमें केमिकल मिलाकर, ठीक है, उसे केमिकली ट्रीट किया जाता है लेबोरेटरी में, उसे केमिकली प्रयोगशाला में, जैसे कि जो भी हम लोग के प्लांट्स के मतलब काष्ठीय प्लांट्स जो होते हैं, पूरी प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधों से द्रव स्रावित होता है, विभिन्न तरह के द्रव स्रावित होते हैं, तो उन द्रवों को केमिकल से ट्रीट करके, ठीक है, उनका रासायनिक उपचार करके उनमें कुछ रसायन मिलाकर लेबोरेटरी में तैयार होती है, तो इसे इस तरह के जैसे को आपको वुड पल्प को, काष्ठीय पल्प को, काष्ठ पौधों से प्राप्त होने वाले काष्ठीय द्रव को, ठीक है, उसमें रसायन मिलाकर कुछ तैयार किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए इसे हम लोग कृत्रिम रेशम भी बोलते हैं, यानी को कृत्रिम रेशम भी बोला जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क, दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, it is a man-made fiber. कह रहा है कि रेयॉन, जबकि यद्यपि कि रेयॉन भी नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, यानी कि पौधों के काष्ठीय द्रव से प्राप्त होता है, काष्ठीय रसरसा पदार्थ जो पौधों से निकलता है उससे बनता है, लेकिन फिर भी इसे मैनमेड कहा जाता है, क्योंकि उसमें इसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है प्रयोगशाला में, तब जाके ये तैयार होता है, जिसको एक अलग नाम दिया जाता है रेयॉन, इसीलिए इसे मैनमेड बोला जाता है, आर्टिफिशियल बोला जाता है, ठीक है। इट इज चीपर देन सिल्क, यह रेशम से चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और इन्हें रेशम के धागों की तरह, रेशम के रेशों की तरह ही इन्हें बुना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स, करें इन्हें रंगा भी जा सकता है रंगों की लंबी श्रृंखला से, ठीक है, यानी कि भारी मात्रा में रंगों की श्रृंखलाओं से, विभिन्न तरह के रंगों से इन्हें रंगा भी जा सकता है। रेयॉन इज मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट एंड फुटमैट, करा कि रेयॉन को वूल के साथ मिलाया जाता है, वूल के साथ मिलाया जाता है निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए कारपेट, यानी कि चादर, दरिया, सीट्स, कारपेट्स, आपको फुटमैट हो गया, जो हम लोगों के घरों में जो पायदान जो होते हैं दरवाजे पर लगे होते हैं उनको, यानी कि उनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, एक्सेट्रा।
अब हम लोग देखेंगे नायलॉन जो अदर सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज अनदर मैनमेड फाइबर या भी एक मानव निर्मित रेशा होता है। इट इज प्योरली मैनमेड मटेरियल ये पूर्णतः मानव निर्मित होता है। देयर इज नो यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल रॉ मटेरियल। इसमें नायलॉन के निर्माण में किसी भी प्लांट या एनिमल के से प्राप्त होने वाले पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। रियान के निर्माण में हम लोग पढ़े ना पौधों से काष्ठी पौधों से जो द्रव जैसा पदार्थ निकलता है जिससे हम लोग उड़ी पल्प बोलते हैं पल्प बोलते हैं उसका यूज होता है। इसके निर्माण में उड़ पल्प का यूज होता है जबकि नायलॉन के निर्माण में किसी तरह के पौधे या जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं होता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल कहा है कि ये जो है नायलॉन जो है कोयला से तैयार होता है कोल से तैयार होता है कोयला से कोल एयर एंड वाटर कोयला हवा और जल से तैयार होता है। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग नायलॉन रेशा जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है मजबूत होता है इलास्टिक होता है लचीला होता है लाइट होता है हल्का होता है। इट इज लुस्ट्रस एंड इजी टू वॉश या चमकीला होता है प्रकाशमान होता है और धोने में आसान होता है। सो इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग को इसलिए यह कपड़े बनाने में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। नायलॉन इज यूज्ड टू मेक रोप्स सॉक्स टेंट्स कार बेड शीट्स शीट्स स्लीपिंग बैग्स कर्टेन एक्सेट्रा कर रहा है कि नायलॉन का प्रयोग रोप यानी रस्सों के निर्माण में सॉक्स मोजों के निर्माण में टेंट्स के निर्माण तंबुओं के निर्माण में कार बेड शीट्स स्लीपिंग बैग्स ठीक है स्लीपिंग बैग्स के निर्माण में एंड कर्टेन पर्दों के निर्माण में होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग इसका प्रयोग पैरासूट के निर्माण में भी होता है एंड रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जिन रस्सों का प्रयोग किया जाता है उन रस्सों के निर्माण में होता है मोटे मोटे मजबूत रस्सों के निर्माण में होता है क्योंकि जो नायलॉन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ही मजबूत होता है तो इसके धागे से बने हुए पदार्थ भी बहुत ही मजबूत होते हैं। नायलॉन वायर इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर कह रहा है कि नायलॉन का तार जो है एक्चुअली स्ट्रॉन्गर कह रहा है कि वास्तविक रूप में ज्यादा मजबूत होता है देन स्टील वायर यानी कि स्टील वायर से भी नायलॉन का जो वायर होता है तार उतना ज्यादा मजबूत होता है। अब आप इसी से कल्पना कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं कि नायलॉन का वायर कितना मजबूत होता है नायलॉन की रस्सियां कितनी मजबूत होती है जिनका प्रयोग पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किया जाता है कह रहे कि स्टील वायर से भी मजबूत होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब हम लोग यहाँ एक फैक्ट दिया ग्रीनू कि आप जानते हैं नायलॉन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड इन 1935 पर है कि नायलॉन जो था सबसे पहले खोजा गया संश्लिष्ट रेशा था मानव निर्मित रेशा था जो सबसे पहले पैदा किया गया अस्तित्व में आया इन 1935 में। इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन इसने अपना नाम पाया उन शहरों के नाम पर जिनका नाम है न्यूयॉर्क एंड लंदन वेयर इट वॉज मार्केटेड इनिशियली यानी कि जहां यह सबसे पहले मार्केट में बाजार में प्रयोग किया गया उन दो शहरों के नाम पर इसका नाम पड़ा है न्यूयॉर्क का NY ले लिया गया लंदन का LON ले लिया गया बन गया नायलॉन ठीक है नायलॉन। अब हम लोग पढ़ेंगे अदर संश्लिष्ट रेशों के बारे में अदर सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में दैट आर पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक ठीक है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर एक दूसरा संश्लिष्ट रेशा होता है। इट इज रिंकल्ड फ्री फैब्रिक
करा है कि इट इज रिंकल्ड फ्री फैब्रिक या जो होता है होता है, इस जो पॉलिस्टर जो रेशा होता है यह मरोड़ा हुआ नहीं होता है, इसमें रेशे मरोड़े हुए नहीं होते हैं, ये बिना मरोड़े हुए बिना मतलब कि आपस में बिना रिंकल की हुए रेशों से बना हुआ होता है पॉलिस्टर, ठीक है, इसमें रेशे आपस में रिंकल नहीं होते हैं, मरोड़े हुए नहीं होते हैं आपस में। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू हैंड वॉश, करें कि यह एकदम जैसे बिना मरोड़ा हुआ होता है एंड इजी टू हैंड वॉश और हाथ से धोने में आसान होता है। इट इज वेरी सुटेबल टू मेक ड्रेस मटेरियल, क्योंकि इसमें धागे जैसे मरोड़े हुए नहीं होते हैं, एकदम सादा टाइप के होते हैं, उलझे हुए होते हैं, इसलिए इस ये जो होता है परिधान या वस्त्र बनाने में ये सुटेबल होता है, उपयुक्त होता है, मतलब परिधान या वस्त्र के निर्माण के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है पॉलिस्टर। टेरिलिन ये पॉपुलर पॉलिस्टर, इसका एक इस पॉलिस्टर में बहुत सारे इसके प्रकार आ जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के पॉलिस्टर होते हैं जिसमें कि टेरिलिन है, टेरिलिन जो कि एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रोन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक्स, करेक्ट, इट कैन बी ड्रोन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। करेक्ट, इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है, इनके सूतों को एकदम फाइन फैब्रिक्स में खींचा जा सकता है, दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, जैसा कि हम दूसरे धागों को एकदम आसानी से वोव कर लेते हैं, बुनाई कर लेते हैं उनकी, इस तरह से इनके धागों को भी कहीं भी ले जाया जा सकता है और पतले से पतले रूप में ले जाया जा सकता है। पेट इज वेरी फेमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, कराए की एक और भी है, पेट एक तरह का धागा है, ये भी पॉलिस्टर का बहुत ही प्रचलित रूप है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल अटेंसिल्स फेल्स वार्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। पेट का प्रयोग जो है आपको बोटल के निर्माण में, अटेंसिल बर्तन के निर्माण, फेल्स वायर्स तारों के निर्माण में एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स और अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में होता है। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड ऑफ द रिफ्टिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कार्ड इस्टर, करेंगे पॉलिस्टर जो है एक्चुअली वास्तव में एक तरह का एक केमिकल पदार्थ इस्टर होता है, उसी के इस्टर के बार बार रिपीट होने से, इस्टर की श्रृंखला के बार बार रिपीट होने से पॉलिस्टर बनता है, ठीक है, इस्टर बार बार रिपीट होता है तो पॉलिस्टर बनता है, पॉलिस्टर इस्टर बार बार रिपीट हुआ तो पॉलिस्टर बना। ईस्टर के बाद रिपीट होने से पॉलिस्टर रिपीट होता है। पॉली मतलब मेनी, बहुत, ईस्टर मतलब ईस्टर के यूनिट, यानी कि ईस्टर इकाइयों में कई बार रिपीट होने से पॉलिस्टर बनता है, एक चेन बनाने से पॉलिस्टर बनता है, ठीक है। इससे फलों जैसी गंध निकलती है पॉलिस्टर से, स्टार्स आर केमिकल विच गिव्स अस द स्मेल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फैब्रिक्स स्टर एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे फलों जैसी गंध निकलती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा, ठीक है, यानी कि इसके रेशे जो है विभिन्न तरह के नामों से बाजार में बेचे जाते हैं, जिनके नाम है पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। पॉलिस्टर इज मिक्स्ड विद कॉटन टू फॉर्म टेरिकॉट, कह रहा है कि जब पॉलिस्टर में कॉटन को मिलाया जाता है तो ये बनाता है टेरिकॉट, ठीक है। वेन इट इज मिक्स्ड विद वूल इट इज कॉल्ड पॉलीवूल, ठीक है,
ऑल टाइप ऑफ स्वेटर शॉल्स ब्लैंकेट्स आर नॉट मेड बाय नेचुरल वुड, करेक्ट। सभी तरह के जो है स्वेटर शॉल और ब्लैंकेट जो कंबल होते हैं वो प्राकृतिक उनसे नहीं बने होते हैं, वो बहुत सारे हमारे मार्केट में जो भी शॉल स्वेटर और आपको ब्लैंकेट कंबल आते हैं बहुत सारे पदार्थ बहुत सारे ये हम लोग के जो ड्रेस मटेरियल होते हैं जो विंटर मटेरियल होते हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं विंटर मटेरियल की एक्चुअली अगर बात करें तो ये जैसे कि सच एज स्वेटर शॉल एंड ब्लैंकेट ये सब क्या होते हैं बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर जस्ट सिमिलर टू नेचुरल फाइबर एंड मोर ड्यूरेबल एंड चीपर बट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स वेलकम रीडिंग करेक्ट। सिंथेटिक फाइबर जस्ट एकदम सिमिलर होते हैं मिलते जुलते होते हैं प्राकृतिक रेशों से लेकिन उससे ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं टिकाऊ होते हैं एंड चीपर सस्ते होते हैं बट डियर बिहेवियर लेकिन इनका व्यवहार जो होता है इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। इनका गुण जो होता है प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट फ्रॉम हीटिंग सिंथेटिक संश्लिष्ट रेशों को गर्म करने पर पिघलने लगते हैं ठीक है। दिस इज ए वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस फाइबर बिकॉज वेन सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर दे आर हार्मफुल फॉर स्किन। यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी कि सबसे बड़ा ये कहेंगे सबसे बड़ा डिमेरिट है सिंथेटिक फाइबर में दोष है कमी है। सिंथेटिक फाइबर सबसे बड़ी दोष सबसे बड़ी कमी यही है कि क्या होते हैं कि ये जब ये गर्म होने पर पिघलने लगते हैं ठीक है। ताप की उपस्थिति पिघलने लगते हैं और बहुत जल्दी आग मतलब ये मतलब कि आग